दोस्तों, इस वीडियो में हम जिक्र करेंगे एक ऐसी अदाकारा के बारे में जो खूबसूरती का मुजस्मा थी। मेरी मुराद रूही बानो है। इसमें ज़रा भर भी शक की गुंजाइश नहीं कि रूही बानो पाकिस्तान टेलीविज़न की नाक थी, जिन्होंने मुतअद्दिद ड्रामों में राहत काजमी, तल्लुत हुसैन और शकील वगैरह के साथ काम किया। दूसरे लफ्ज़ों में रूही बानो टेलीविज़न के सुनहरी दौर की सबसे बड़ी अदाकारा थी। रूही बानो ने 10 के करीब फिल्मों में काम किया, लेकिन फिल्मों में वो टेलीविज़न वाली परफॉर्मेंस ना दे सकी। इनकी मशहूर फिल्मों में पालकी, उमंग, गूंज उठी शहनाई, बड़ा आदमी, इंसान और फरिश्ता, कायनात, ज़मीर, खुदा और मोहब्बत, आजमाइश, किरण और कली वगैरह हैं। लेकिन जिस पाए की वो अदाकारा थी, फिल्म वालों ने इससे इस किस्म का काम ना लिया और बेकार रोल्स देकर उन्हें ज़ाया किया गया, जिससे दिल बर्दाश्ता होकर उन्होंने फिल्मी दुनिया छोड़ दी। दो शादियां की, लेकिन दोनों नाकाम रहीं। एक बेटा जिसे वो बुढ़ापे का सहारा ख्याल करती थी, इसे 14-15 साल की उम्र में कत्ल कर दिया गया, जिसका रूही बानो की ज़िंदगी पर गहरा असर हुआ और वो नीम पागल सी हो गई, और यही सदमा इसे मौत की दहलीज पर ले गया। इस तरह ये अजीम अदाकारा रूही बानो 2019 में फ़न की रूह अपने साथ ले गई।